नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है रमा काशी व्रत कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में मुचकंद नाम के एक प्रतापी राजा रहते थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम चंद्र बाबा था। राजा ने अपनी बेटी का विवाह राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ कर दिया था। चंद्र बाबा के जहाँ सभी काशी का व्रत करते थे, लेकिन उसके पति शोभन को भूखा रहकर नहीं रह सकता था। उस दोनों समय खाना खाने की जरूरत थी। शोभन एक बार कार्तिक मास के महीने में अपनी पत्नी के साथ ससुराल आया, तभी रमा काशी व्रत पड़ा। चंद्र बाबा के गृह राज्य में सभी रमा काशी का नियम पूर्वक व्रत रखते थे और ऐसा ही करने के लिए शोभन से भी कहा गया। शोभन इस बात को लेकर परेशान हो गया और बोला कि जे एक पाल भी भूखा नहीं रह सकता वह रमा काशी का व्रत कैसे करेगा। वह इस परेशानी के साथ पत्नी के पास पहुंचा। पत्नी के पास गया और बोला कि मुझे इसका पाप बताओ। लेकिन चंद्र बाबा ने मना कर दिया। उसने कहा कि अगर ऐसा है तो आपको राज्य के बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि राज्य में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो इस व्रत नियम का पालन ना करता हो। जहाँ तक कि इस दिन राज्य के जीव जंतु भी भोजन नहीं करते हैं। आखिरकार शोभन को रमा काशी का पास रखना पड़ा, लेकिन भूख को वह सह नहीं पाया और पारण करने से पहले उसकी मृत्यु हो गई। चंद्र बाबा ने पति के साथ खुद को सती नहीं किया और पिता के जहाँ रहने लगी। उधर काशी के व्रत के पुण्य से शोभन को अगले जन्म में मंदरांचल पर्वत पर आलीशान राज्य प्राप्त हुआ। एक बार मुचकुंदपुर के ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए शोभन के दिव्य नगर पहुँचे। उन्होंने सिंहासन पर विराजमान शोभन को देखते ही पहचान लिया। ब्राह्मणों को देखकर शोभन सिंहासन से उठे और पूछा कि जय सब कैसे हुआ। तीर्थ यात्रा से लौटकर ब्राह्मणों ने चंद्र बाबा को जय बात बताई। चंद्र बाबा बहुत खुश हुई और पति के पास जाने के लिए व्याकुल हो उठी। जय वाम ऋषि के आश्रम पहुंची। चंद्र बाबा मंत्रांचल पर्वत पर पति शोभन के पास पहुंची। अपने काशी व्रतों के पुण्य का फल शोभन को देते हुए उसके सिंहासन वह राज्य को चिरकाल के लिए स्थिर कर दिया। तभी से मान्यता है कि जो व्यक्ति इस व्रत को रखता है वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्त हो जाता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।